वेलकम टू माय चैनल टॉप टेक्नोलॉजी। टॉप टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं एमएस वर्ड में मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एमएस वर्ड में किस तरह से आप जोड़ घटाओ गुणा भाग कर सकते हैं, किस तरह से टेबल बना के टेबल में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ईजी मैथड से। अब तक आपने सुना होगा एक्सेल में कैलकुलेशन, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशन। तो यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारा कुछ नया मिलने वाला है, बहुत नया कुछ आप सीखने वाले हैं मेरे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में कैलकुलेशन बताने के लिए हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स को टाइप करके रखा है, और अब हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके लिए सबसे पहले प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस F9। ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गया, और इसके अंदर लिखेंगे इक्वल टू, और जिस भी नंबर को ऐड करना है वो नंबर हम डालेंगे 60 प्लस, फिर यहाँ पे हम डाल देंगे 10, और फिर से F9 बटन को प्रेस किए, आपका आ गया 70। ठीक इसी तरह से अगर आपको करना है सब्सट्रैक्ट तो कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किए, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाए 60 माइनस 10, और F9 को प्रेस करेंगे, आपका आ गया 50। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस F9 लगाए, इक्वल टू का सिंबल दिए। इस बार हमने करना है 200, मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार सिंबल का यूज करते हैं, और ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, और F9 को प्रेस किए, आ गया हमारा 2000। इसी तरह से अगर डिवाइड करना है तो फिर कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे 200 इक्वल टू का सिंबल देना पड़ेगा, इक्वल टू 200 स्लैश, ये डिवाइड के लिए स्लैश सिंबल का यूज होता है, और फिर यहाँ पे हम दे सकते हैं 20, और F9 को प्रेस किए, ये हमारा हो गया 10। इस तरह से हम लोग जोड़ घटाओ गुणा और भाग सारा कुछ सीख गए, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। अब टेबल में किस तरह से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, इसको देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पे हमने कोई एक टेबल बना के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस जगह पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब हमने इसको ऐड करना है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए भी कंट्रोल प्लस F9 ही हमको प्रेस करना है। F9 हमने प्रेस किया और सिंबल लगा दिए इक्वल टू का सिंबल लगाए, फिर यहाँ पर लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्मॉल पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमको लिख देना लेफ्ट LEFT, क्योंकि हम ये हॉरिजेंटली ऐड कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से ऐड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा, और फिर इस ब्रैकेट को मैं बंद करूँगा और F9 बटन को प्रेस करूंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं 210 आ गया। इसी तरह से अगर सारे के सारे फील्ड को अपडेट करना है, यहां पे इसको मैं करके दिखाऊंगा, मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूं। तो सब फील्ड को करना है तो सारे फील्ड में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, या इसका मैं दो प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके सारे के सारे फील्ड में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया पेस्ट। अब क्या करेंगे ना कि इसका दो प्रोसेस है, यदि इसको चेंज करना है तो सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट बटन को क्लिक करेंगे, एक पुल डाउन मेनू आता है, और इस पुल डाउन मेनू में एक ऑप्शन मिलते हैं अपडेट फील्ड। अब मैं अपडेट फील्ड को क्लिक करूँगा, ये देखिए अपडेट हो गया, तो 91 प्लस 86 प्लस 84 261 होगा। यदि सबको एक साथ करना है तो सबको यूं सेलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा प्रोसेस इसका क्या है कि आप F9 को प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिर से राइट बटन को क्लिक करके हम लोग अपडेट फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इजी है आप F9 को प्रेस कर दीजिए। जैसे हम F9 को प्रेस करते हैं सारा का सारा फील्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गया। इसी तरह से अगर किसी कॉलम के सारे सेल को ऐड करना है, वर्टिकल ऐड करना है, तो उसके लिए भी कंट्रोल प्लस F9 को दबाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम छोटी ब्रैकेट, चूंकि ये एवब है तो यहाँ पे एवब हमको लिखना पड़ेगा,
ए बी यू भी एवब, और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और एफ नाइन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 315 आ गया। इसी तरह से सारे फील्ड में करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको हमको यहाँ पे एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी किए, फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर इस सेल में भी हमने पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो गया। अब सबको अपडेट करना है तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे एक बार और F9 बटन को प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारा का सारा फील्ड